इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा तो बहुत से प्लेयर हुए हैं, पर उनमें से बहुत ही कम ऐसे हुए हैं जिन्होंने लगातार तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह बरकरार रखी हो। विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा और MS धोनी ही है जिन्होंने लगातार अपनी जगह टीम में बनाए रखी। लेकिन रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के अगर आंकड़ों पर हम नजर डालें तो T20 और वनडे में तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट में वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना T20 और ODI में किया है। लेकिन अगर हम विराट के आंकड़ों पर नजर डालें तो चाहे टेस्ट हो, T20 हो या फिर ODI हो, तीनों ही फॉर्मेट में उन्होंने पिछले 8 से 10 सालों से लगातार महारत हासिल की हुई है और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें अपने खराब फॉर्म की वजह से बाहर बैठना पड़ा हो। वो किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि सक्सेसफुल होने से ज्यादा मुश्किल उस सक्सेस को बरकरार रखना है, और खासकर क्रिकेट में जहां हर साल एक से बढ़कर एक प्लेयर्स आते हैं। लेकिन विराट ने अपनी जगह टीम में हमेशा बनाए रखी, और बेशक इसके लिए उन्होंने बाकी प्लेयर्स से ज्यादा सेक्रीफाइस किया, अपनी डाइट को लेकर हमेशा डिसिप्लिन रहे जो कि बहुत ही कम प्लेयर्स कर पाते हैं। विराट की स्टोरी तो बहुत से लोगों ने यूट्यूब पर बता रखी, लेकिन आज हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सक्सेस को बरकरार रखा। हम ये नहीं जानेंगे कि विराट को सक्सेस क्यों और कैसे मिली, हम ये जानेंगे कि विराट ने उस सक्सेस को कायम कैसे रखा। तो नंबर 1 पॉइंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन। टीवी पर मैच देखते देखते ये बोलना कि इसे तो खेलना नहीं आता इसकी वजह से ये मैच हारे, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी जब कोई फास्ट बॉलर बैट्समैन को बॉल डालता है तब बैट्समैन के पास में सिर्फ 0.45 सेकंड होते हैं रिएक्ट करने के लिए, और इन्हीं 0.45 सेकंड में ये समझना होता है कि बॉल कैसे, किधर और कितनी स्पीड से आने वाली है, और इसी बॉल पर शॉट कितनी तेजी से और किस दिशा में खेलना है, और ये सारी प्रोसेस करने के लिए उनके पास होते हैं सिर्फ 0.45 सेकंड। और इस बीच अगर एक सेकंड के 10वें हिस्से के लिए भी उनका ध्यान भटका तो समझो काम खत्म, और सामने से जो बॉल आ रही है वो जानलेवा होती है, और जब उस बॉल की एक बार लगती है तो महीनों तक कई सारे खिलाड़ी इंजर्ड होकर वापस नहीं आते। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दिसंबर जनवरी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज चल रही थी तब पहले ही मैच में जब इंडिया 36 पर ऑल आउट हुआ था उस वक्त मोहम्मद शमी को पैट कमिंस की एक जोरदार बाउंसर आई थी बहुत स्पीड से और सीधे मोहम्मद शमी के हाथ की हड्डी पर लगी, और उसके बाद मोहम्मद शमी 3 से 4 महीने के लिए टीम से बाहर रहे, ना तो वो आगे के टेस्ट मैच खेल पाए और ना ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में हिस्सा ले पाए। और उसी सीरीज में जडेजा को भी अंगूठे पर चोट लगी थी और वो भी सीधे IPL में दिखे उस सीरीज के बाद में। और अब तो आप समझ चुके होंगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है क्रिकेट में बैटिंग करते वक्त, और वो भी तब जब सामने से सीजन बॉल आ रही हो जिसकी जब लगती है तो कई सारे प्लेयर 3-4 महीनों के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। सिंपल सा रूल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपका ऑलरेडी दिमाग कितना भी तेज हो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस फील्ड में आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड का अगर आपको विराट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी और तभी आप उस फील्ड में किंग बन पाओगे। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है विराट की, सेल्फ कंट्रोल या फिर ये कहें कि सेल्फ डिसिप्लिन, और इतना सेल्फ डिसिप्लिन, इतना सेल्फ कंट्रोल जितना शायद ही किसी प्लेयर में होगा। 2012 से वे अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और तब से अभी तक उन्होंने जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाया, जबकि 2012 से पहले उनकी ईटिंग हैबिट बहुत ख़राब थी, और एकदम से अपने अंदर इतने सारे चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, और इंडियन टीम में शायद ही कोई ऐसा प्लेयर होगा जो ये कर पाया होगा। डाइट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से उनका फिटनेस लेवल टॉप पर है, मैदान में उनसे तेज शायद कोई प्लेयर होगा आज की डेट में। और अगर हम इसके डीप में जाएं कि क्या वजह है जिसकी वजह से विराट इतने फिट, एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सेल्फ कंट्रोल। नंबर 3, फोकस ऑन वन थिंग एंड फॉरगेट एवरीथिंग। विराट का कहना है कि जब भी वो फील्ड पर होते हैं तो वे सब भूल जाते हैं, उस वक्त वो किसी की परवाह नहीं करते, सब कुछ भूलकर उनका पूरा फोकस फील्ड पर होता है। और उनका कहना है कि हर दिन अपना 100% नहीं बल्कि हर दिन अपना 110% दो, जितना आप कर सकते हो उससे भी ज्यादा करो। विराट एक बहुत ही तपस्वी इंसान है, बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने, उनके मजे उनके देश से बड़े नहीं है। अपने आप से सवाल करो कि क्या मेरे मजे मेरे देश से बड़े हैं, क्योंकि इंसान के लिए सबसे पहले देश ही होना चाहिए, बाकी सब बाद में। और आप जो भी करोगे अपनी लाइफ में उससे देश को भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट होगा ही। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे भी देश के कई सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे, तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मेरे मजे मेरे फ्यूचर से बड़े हैं, मेरे देश से बड़े हैं। अगर हाँ तो करो मजे, और अगर नहीं तो फिर विराट से सीखो सेल्फ कंट्रोल, विराट से सीखो सेक्रीफाइस करना, विराट से सीखो अपने लक्ष्य के लिए अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करना। एक जुनून, एक फितूर होना चाहिए बेस्ट बनने का, और ना सिर्फ जुनून होना चाहिए बल्कि उसके लिए काम भी करो। आजकल एक एवरेज पर्सन दिन में 4 से 5 घंटे अपने फोन यूज करता है, और वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट फोन का यूज करते हैं, और वो भी सॉन्ग सुनने के लिए, ना कि फालतू की रील देखने के लिए या फिर फालतू उसकी चैटिंग करने के लिए। तो अगर आपको भी अपनी फील्ड का विराट बनना है तो अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो, सेक्रीफाइस करना सीखो, फोकस कैसे करते हैं वो सीखो,
लोग अगर आप पे उंगलियां उठाए तो उनका जवाब अपने काम से देना सीखो। मुझे पता है कि जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आप कर भी जाओगे। बस खुद पर यकीन रखना, खुद से वादा करना कि मैं ये मुकाम अगले 4 से 5 सालों में हासिल करके ही दम लूंगा, और खुद से ये वादा पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देना। तो खुद से वादा, मेहनत दूसरों से ज़्यादा, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन अपना भी दौर होगा। जिद करना सीखो, जो नहीं लिखा है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। अरे मुश्किल है तो क्या हुआ आसान मैं बनाऊंगा, असंभव है तो क्या हुआ संभव मैं करके दिखाऊंगा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे सही जाते हैं। जब सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, वही सही समय है कुछ कर दिखाने का। और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, और तुम करके दिखाओगे। अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो इस वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ में जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं या फिर जिनके अंदर की चिंगारी बुझ चुकी है। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।